इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंदौली लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार पिस्टल लेकर नामांकन करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेटिंग के पास जब सत्येंद्र को रोका तो जल्दबाजी में पिस्टल जमीन पर गिर गई और इस तरह उनकी पोल खुल गई। इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बसपा के उम्मीदवार कमर में पिस्टल लगाकर नामांकन करने पहुंचे थे। हालांकि नामांकन स्थल के बाहर ही पुलिस बैरिकेटिंग के पास उन्हें रोका गया, जिसके बाद जल्दी जल्दी उन्होंने पिस्टल निकालकर अपने साथी को पकड़ाई, बिना असलहे के अंदर गए। इस आपाधापी में पिस्टल जमीन पर गिर गई। बाद में पुलिस ने बसपा उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य के शस्त्र लाइसेंस की जांच पड़ताल भी की। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने नसीहत दी कि पूरे आचार संहिता के दौरान अब वो असलहा लेकर नहीं घूमेंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी ने कहा है कि जल्दबाजी में वो पिस्टल लेकर नामांकन स्थल पहुंच गए थे।